सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं, और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है सभापति महोदय कि तीन सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथा स्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं, साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके।